हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन सोहिश टीचिंग चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड वॉच द वीडियो अप टू एंड, राइट। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मिरर फार्मूला एंड लीनियर मैग्नीफिकेशन और ओनली मैग्नीफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मिरर फार्मूला and magnification? So first of all, mirror formula, the relationship between object distance u, small u, image distance is v, small v, and the focal length of a mirror, focal length f, small f, of a mirror is called mirror formula. लो बेटा, बहुत सिंपल मिरर फार्मूला याद रखना है। अपा हम द की है डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली की है कि इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन, ये रिलेशनशिप है। कादे चाहे रिलेशनशिप तीन टर्म है अपने को। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेंशन्ड बाय यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। नंबर टू इज इमेज डिस्टेंस वी, स्मॉल वी, एंड फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर। व्हाट इज द फार्मूला? एक्चुअली द फार्मूला इज 1/f = 1/v + 1/u। इट इज द मिरर फार्मूला। 1/f, व्हाट इज f? f इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। द मिरर मे बी ए प्लेन मिरर, द मिरर मे बी ए कॉन्वेक्स मिरर, द मिरर मे बी ए कॉनकेव मिरर। एंड वी इज द इमेज डिस्टेंस, मतलब इमेज कितने बनी है। ऑब्जेक्ट न जिथे मर्जी रख्या होवे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू है, ऑब्जेक्ट न मिरर तो किन्नी दूर रख्या, ठीक है जी, दैट इज़ द यू। एंड इमेज कितने बनी है, मिरर तो डिस्टेंस मेजर करना है, इमेज का भी तो ऑब्जेक्ट का भी। ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, दैट इज यू, तो इमेज कितनी दूर बनी है, दैट इज वी। सो ओवरऑल फार्मूला इज 1/f, f इज द फोकल लेंथ, इक्वल्स टू 1/v + 1/u। दिस इज द मिरर फार्मूला। एंड दिस मिरर फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर कॉनकेव मिरर एज वेल एज फॉर कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज फॉर प्लेन मिरर। यू कैन से एंड एनी टाइप ऑफ मिरर द मिरर फार्मूला इज एप्लीकेबल, राइट। सो लेट्स मूव टू फर्दर सेक्शन, दैट इज मैग्निफिकेशन। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन द रेशियो ऑफ size of image to the size of object is called magnification. magnification. So the ratio of size of image, it is denoted by m, linear magnification, it is denoted by m, small m, okay. So what is the magnification? It is the ratio small m equal to ratio of size of image. Size of image is h dash, and size of object is
एच। किस तरह मैं एक एग्जांपल देना है, मान लो कि मैं एक 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट जड़ा है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट जड़ा है वो प्लेस किया जी इन फ्रंट ऑफ मिरर। सो मेरे पास 5 सेंटीमीटर की आ गया, मेरे पास 5 सेंटीमीटर आ गया, एच आ गया। हूँ इस 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की इमेज बनूगी मिरर, चाहे वह कॉन्वैक्स मिरर नाल बने, चाहे कॉनकेव मिरर नाल बने, चाहे वह प्लेन मिरर नाल बने। प्लेन मिरर तो सेम ही बनाता है, चलो तो अपने को पॉइंट नहीं है, लेकिन आप देखिए अगर 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट रखा वो इमेज बनी, इमेज कितनी है, इमेज कितनी भी हो सकती है। अगर कॉनकेव मिरर है तो वो बड़ी इमेज भी बना सकता है, स्मॉलर इमेज भी बना सकता है, सेम भी बना सकता है। लेकिन अगर कॉन्वैक्स मिरर है तो वो हमेशा हमेशा स्मॉलर ही बनाऊगा, उसके कोल तो लार्जर इमेज बननी नहीं। सो इमेज जी है मे बी मोर दैन 5, मे बी लैस दैन 5, मे बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट विल बी इफ मोर दैन 5 दैट मे बी 7 सेंटीमीटर, इट विल बी एच डैश इमेज डिस्टेंस। इफ इट इज लैस दैन 5 दैट मे बी 4 सेंटीमीटर, अगेन इट इज एच डैश। अगर सेम साइज़ ही है, हो सकता 5 सेंटीमीटर ही रह जाए तो भी एच डैश, मतलब जिन्ने साइज़ का इमेज बनया उसकी वैल्यू एच डैश नाल, और जिन्ने साइज़ का ऑब्जेक्ट रखे वो है जी साढ़े पास एच। सो ए है रिलेशन, ए है मैग्नीफिकेशन फॉर द मिरर, राइट। वन थिंग मोर इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस द मैग्निफिकेशन इज एम इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन U। ए है V अपॉन U, वो भी माइनस से, माइनस साइन याद रखियो, माइनस से V अपॉन U। V की है रिसेंटली डिस्कस किया है मिरर फॉर्मूला कि V की है इमेज डिस्टेंस है, तो U की है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अगर असं इन दोनों की रेशो लाएंगे और अगर माइनस साइन पावे तो भी मैग्नीफिकेशन होगी, ठीक है जी। और एक मैग्नीफिकेशन दी कुछ टर्म्स है वो भी आप थोड़े जे इस वीडियो डिस्कस करते हैं। वो की है इंपॉर्टेंट टर्म्स इन मैग्नीफिकेशंस। फर्स्ट पॉइंट की है साढ़े पास, फर्स्ट पॉइंट की है इफ एम इज पॉजिटिव, अगर m पॉजिटिव है जी, इफ m इज़ पॉजिटिव दैन की होएगा, दैन जी इमेज होएगी, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद रखियो अगर इमेज इरेक्ट है तो m पॉजिटिव आओ, अगर m पॉजिटिव है तो इमेज की है इरेक्ट है या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट है, दोनों सेम ही होंगे, ठीक है जी। कट्ठे ही होंगे, वर्चुअल होगी तो इरेक्ट भी होगी, रियल होएगी तो इनवर्टेड भी होगी, ठीक है जी। अगर एम पॉजिटिव तो इमेज की है वर्चुअल एंड इरेक्ट है। नंबर टू पॉइंट, नंबर टू की है इफ एम इज नेगेटिव, अगर एम नेगेटिव हो फिर की होगा, इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। जे एम दी वैल्यू कैलकुलेट करके नेगेटिव साइन आ रहा है, माइनस दी वैल्यू आ रही है, तो इमेज की होगी रियल एंड इनवर्टेड होगी, ठीक है जी। नंबर थर्ड पॉइंट, नंबर थ्री ते की है इफ एम इक्वल टू 1, कैलकुलेट कर लिए भी एम दी वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, और एम पॉजिटिव नेगेटिव साइन की गल नहीं कर रहा, वो तो ऑलरेडी डन हो गया कि अगर पॉजिटिव आ गया तो इमेज वर्चुअल रिएक्ट होगी, नेचर होगी वो, अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई एम की तो रियल इनवर्टेड होगी और नेचर आ गई वो इमेज से, ठीक है। हूँ आप साइज की गल कर लगे हैं, अगर एम की वैल्यू 1 है तो की होगा, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज विल बी सेम, द साइज ऑफ इमेज
विल बी सेम, मतलब सेम साइज से इमेज बनेगी। ठीक, इफ एम इज नंबर 4 पॉइंट, इफ एम इज ग्रेटर देन 1, मतलब एम की वैल्यू 1 तो ज़्यादा आ गई, 2, 3, 4, 5 मोर देन 1 वैल्यू, ठीक, दैन की होएगा, दैन द साइज ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर देन, लार्जर देन, लार्जर किस तो लार्जर, ऑब्जेक्ट को लार्जर, वड्डी इमेज बनेगी, जे एम दी वैल्यू 1 तो वड्डी आ गई तो फिर इमेज भी वड्डे साइज की बनेगी। ठीक हो गया। तो लास्टली पॉइंट 5th नंबर के इफ एम इज लैस दैन 1, अगर एम दी वैल्यू 1 तो घट, मतलब 0 पॉइंट समथिंग, 0.2, 0.5, 0.7, दैन की होगा, दैन जी इमेज होएगी वह स्मॉलर साइज की होएगी, द साइज ऑफ इमेज विल बी स्मॉलर। ठीक हो गया जी। फिर रिपीटली एक बार देखिए, अगर एम दी वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल से इरेक्ट बनेगी, मतलब सीधी इमेज बनेगी, मिरर ची बनेगी और राइट लेफ्ट लाइट का चेंज होगा। अगर एम दी वैल्यू नैगेटिव आई साइन वाइज, मतलब नैगेटिव साइन आ गया, तो इमेज की नेचर की होगी, रियल इमेज बनेगी, यानी कि वो स्क्रीन की लोड पेगी, इमेज स्क्रीन पर रियल तो पुट्ठी इनवर्ट बनेगी। अगर एम दी वैल्यू 1 है वैल्यू वाइज, अगर एम दी वैल्यू 1 है तो इमेज भी सेम, अगर एम दी वैल्यू 1 तो ग्रेटर तो इमेज का साइज भी ग्रेटर, अगर एम दी वैल्यू लैस दैन 1 तो इमेज का साइज भी स्मॉलर दैन 1 होगी। ठीक हो गया जी। सो अप टू हेयर ये सीगा साडा मिरर फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक द चैनल, सॉरी लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।